हेलो एवरीवन, वेलकम टू डायनेमिक स्टडी। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं लेसन फोर ऑफ हायर एजुकेशन सिस्टम एंड ये आपका पार्ट टू है। तो इससे पहले की वीडियो में मैंने ऑलरेडी प्रोफेशनल एजुकेशन के बारे में आपको एक्सप्लेन किया था। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे टेक्निकल एजुकेशन की। टेक्निकल एजुकेशन क्या होता है? तो अगेन ये बहुत ही वास्ट टॉपिक है और ये आपका बेस्ड है न्यू एंड अपडेटेड नेट सिलेबस पे। तो चलिए देखते हैं डिटेल में टेक्निकल एजुकेशन है क्या। टेक्निकल एजुकेशन द एकेडमिक एंड वोकेशनल प्रिपरेशन ऑफ स्टूडेंट्स फॉर जॉब इन्वॉल्विंग अप्लाइड साइंस एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजी। तो आपके टेक्निकल एजुकेशन में वो सारी ही चीज़ें आती हैं जिसमें स्टूडेंट को एकेडमिक एज वेल एज वोकेशनल प्रिपरेशन दी जाती है जॉब्स के लिए तैयार होने में। और कौन सी फील्ड इसमें होती है? इसमें फील्ड होती है आपकी अप्लाइड साइंस और मॉडर्न टेक्नोलॉजी की। इट एम्फसाइज द अंडरस्टैंडिंग एंड प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ साइंस एंड मैथमेटिक्स रादर देन अटेनिंग ऑफ प्रोफिशिएंसी इन मैनुअल स्किल्स देन इन प्रॉपरली द कंसर्न ऑफ वोकेशनल एजुकेशन। तो बेसिकली इसमें क्या है, इसमें हम एम्फसाइज करते हैं अंडरस्टैंडिंग के ऊपर और प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के ऊपर। टेक्निकल का मतलब हुआ जब आप अपनी टेक्निकल स्किल्स आप यूज़ करते हो या आप वो एजुकेशन यूज़ पढ़ते हो या वो एजुकेशन आप हासिल करते हो जिसमें आपके टेक्निकल स्किल्स का यूज़ होता है। तो जो आपके बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ साइंस होते हैं या मैथमेटिक्स होते हैं उनका हम यहाँ पे एप्लीकेशन करते हैं, अंडरस्टैंडिंग उनकी करते हैं और उनका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन करते हैं। टेक्निकल एजुकेशन कॉन्ट्रीब्यूट्स अ मेजर शेयर टू द ओवरऑल एजुकेशन सिस्टम एंड प्लेज अ वाइटर रोल इन द सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ आर नेशन। तो टेक्निकल एजुकेशन जो है ये बहुत बड़ा शेयर है इंडियन एजुकेशन सिस्टम का, इंडिया के एजुकेशन सिस्टम का ये बहुत बड़ा शेयर है। और उसके साथ साथ ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, अदा करता है सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हमारे कंट्री के। द प्रोविजंस AICTE एक्ट टेक्निकल एजुकेशन मींस प्रोग्राम ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग इन द फॉलोइंग फील्ड। तो अगर हम AICTE एक्ट की बात करें तो उस वहाँ पे ऐसा बोला गया है कि टेक्निकल एजुकेशन का मतलब होता है वो प्रोग्राम जो कि इन फील्ड्स में होते हैं जहाँ पे हम एजुकेशन लेते हैं, रिसर्च लेते करते हैं या फिर हम ट्रेनिंग लेते हैं। कौन कौन सी फील्ड होगी आपकी? इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी होगी, आर्किटेक्चर होगा, टाउन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट होगा एंड फार्मेसी एंड अप्लाइड आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स होगा। तो ये सारी ही फील्ड आपकी टेक्निकल एजुकेशन के पार्ट हैं। तो इस टॉपिक के बारे में, इस टॉपिक के जो डिटेल नोट्स हैं वो मैंने ऑलरेडी अपलोड किए हुए हैं डिजिटल स्टोर पे। तो जो मेन टॉपिक है मैं यहाँ पे वीडियो में कवर कर रही हूँ। डिटेल में अगर आपको इस टॉपिक को पढ़ना है जो डिटेल नोट्स हैं वो ऑलरेडी आपके अवेलेबल हैं, पेड नोट्स हैं वो आप परचेज कर सकते हैं। तो ऑलरेडी अगर आपके पास नोट्स हैं तो वो आप नोट्स ले लीजिए और इस वीडियो को उसके साथ साथ पढ़िए तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। सच अदर प्रोग्राम्स आर द एरिया ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट मे डिक्लेयर इन कॉन्स्टिट्यूशन विद द काउंसिल ऑफ अ गजेट नोटिफिकेशन एज पर द स्टैटिक पोस्ट बाय डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अराउंड 1800 इंस्टीट्यूशंस आर फंक्शनिंग इन द कंट्री विद अप्रॉक्स 5 लाख टीचर्स एम्प्लॉयड एवरी वे अंडर वेरियस स्ट्रीम्स। तो ये जो स्ट्रीम है इनमें हम कोई भी और अदर स्ट्रीम ऐड भी कर सकते हैं। अगर कोई हम गैजेट जो होते हैं, जो आपका गजेट होता है जो गवर्नमेंट देती है, सेंट्रल गवर्नमेंट डिक्लेयर करती है, वो उसमें और कोई स्ट्रीम भी ऐड कर सकता है। आज के टाइम पे अभी अगर हम बात करें डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन की बात करें हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, तो ऑलमोस्ट 18,000 इंस्टीट्यूशंस ऐसे हैं जो कि इस फील्ड में, जो कि टेक्निकल एजुकेशन के फील्ड में काम कर रहे हैं। 5 लाख हमारे टीचर्स हैं जो कि इस वेरियस स्ट्रीम में, टेक्निकल एजुकेशन के वेरियस स्ट्रीम्स में एम्प्लॉयड हैं। मैनी टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस आर ग्लोबली एक्लेम्ड फॉर द स्टैंडर्ड्स एंड क्वालिटी दे डिलीवर, बट इट इज़ अ मैटर ऑफ कंसर्न दैट नन अमंग द 621 यूनिवर्सिटीज इन द कंट्री फीचर्ड अमंग द फर्स्ट 200 इन द वर्ल्ड। तो बेसिकली अगर आप बोलें तो टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स जो हैं हमारे वो बहुत ही ग्लोबली एक्लेम्ड हैं, उनकी जो स्टैंडर्ड्स एंड क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी है, बट स्टिल अगर हम वर्ल्ड के फर्स्ट 200 इंस्टीट्यूट्स की बात करें तो अभी तक इंडिया का कोई भी इंस्टीट्यूट ऐसा नहीं है जो कि टॉप 200 इंस्टीट्यूट्स में अपनी जगह बनाया हो। द मेन रीज़न बिहाइंड द सेम इज़ द लैक ऑफ हाई एंड रिसर्च फैसिलिटी। और जो रीज़न इसके पीछे बताया जा रहा है कि क्यों ऐसा नहीं है, उसका रीज़न ये है कि हमारे पास जो रिसर्च फैसिलिटीज़ हैं वो नहीं हैं। AICTE has various schemes for improvement of quality and standard of higher education in the country such as Research Promotion Scheme, that is RPS, Scheme for the Promoting Research in the Field of Engineering। तो AICTE जो है आपका, ये इसने बहुत सारे ऐसे काम किए हैं जिसके थ्रू इन्होंने कोशिश करी है कि हम टेक्निकल एजुकेशन के फील्ड में बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन दें और हम हायर एजुकेशन का जो टेक्निकल एजुकेशन है
उसमें हम स्टैंडर्ड बनाएं, क्वालिटी इंप्रूव करें उसकी। और उसके लिए इन्होंने बहुत सारे स्कीम्स लॉन्च किए हैं, जिसमें से आपका रिसर्च प्रमोशन स्कीम भी एक स्कीम है, ये RPS इसको शॉर्ट में बोलते हैं। और ये आपका काम करता है रिसर्च को प्रमोट करने में और इन द फील्ड ऑफ इंजीनियरिंग। सेट अप नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रीडिटेशन टू रेगुलेट एंड मॉनिटर द क्वालिटी ऑफ इंजीनियरिंग एजुकेशन इन द कंट्री। इसके अलावा AICTE ने नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रीडिटेशन भी बनाया है, और ये जो बोर्ड है आपका, ये देखता है कि किस तरीके की इंजीनियरिंग एजुकेशन में किस क्वालिटी की एजुकेशन प्रोवाइड की जा रही है। रिसर्च एंड इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट, दैट इज RID स्कीम्स फॉर इंप्रूवमेंट ऑफ क्वालिटी ऑफ इंजीनियरिंग एजुकेशन। तो रिसर्च एंड इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट जो है, ये भी एक बनाया गया है। इसके थ्रू ये देखते हैं, ये ट्राई करते हैं, ऐसी स्कीम्स होती हैं कि ट्राई करती हैं कि क्वालिटी जो हो इंजीनियरिंग एजुकेशन की, वो इम्प्रूव हो पाए। उसके अलावा और अदर प्रोग्राम्स क्या हैं, तो मेन इंपॉर्टेंट जो अदर प्रोग्राम्स हैं वो आपके क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोग्राम है, जिनको हम QIP बोलते हैं, QIP डिग्री है, विजिटिंग प्रोफेसरशिप है, VP जिनको हम बोलते हैं, करियर अवार्ड्स हैं जिनको CA कहा जाता है, सेमिनार है, सिंपोजियम है, वर्कशॉप्स, ग्रांट्स हैं, AICTE, INAE डिस्टिंग्विश विजिटिंग प्रोफेसरशिप है। तो AICTE ने INAE के साथ कोलैबोरेट किया है, और इनके जो प्रोफेसरशिप्स होते हैं वो आपस में, मतलब एक दूसरे की कंट्री में, सॉरी एक दूसरे के जो इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ जाते हैं और आपस में, मतलब जो नॉलेज होती है वो शेयर करते हैं। उसके अलावा नेशनल डायरेक्टोरियल फेलोशिप है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो जिसको हम NDF बोलते हैं, ये भी इसका पार्ट है। तो अगेन बाकी दो चार और हैं आपके जो, मतलब इंपॉर्टेंट है, सारा कुछ मैंने नोट्स में कवर किया है। तो ये जो बहुत इंपॉर्टेंट थी वो आपके वीडियो में प्रोवाइडेड है, इनको आप पढ़ सकते हैं। देन है आपका नेशनल फैसिलिटी इन एजुकेशन, सॉरी इन इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी विद इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशन, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं NAFETIC। तो ये एक फैसिलिटी है जहाँ पे इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी को कोलैबोरेट किया जाता है इंडस्ट्रीज के साथ, ताकि वो वहाँ पे जाकर ट्रेनिंग ले सकें। देन आपका नेशनली कोऑर्डिनेटेड प्रोजेक्ट्स हैं, जिनको हम NCP बोलते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट स्कॉलरशिप्स हैं, इंडस्ट्री इंस्टीट्यूट्स हैं, प्रोग्रामशिप पार्टनरशिप प्रोग्राम्स की, डेवलपमेंट ऑफ मॉडल करिकुलम फॉर डिफरेंट कोर्सेज, ये भी एक इनिशिएटिव है जो कि AICTE ने लिया हुआ है। उसके अलावा PG प्रोग्राम्स हैव बीन अलाउड टू बी कंडक्टेड इन द सेकेंड शिफ्ट इन ऑर्डर टू प्रमोट MTech क्वालिफिकेशन ओवर BTech क्वालिफाइड फैकल्टी। तो इसके अलावा इन्होंने ये भी बोला है कि हम जिन्होंने MTech क्वालिफिकेशन जिनके पास है उनको हम हायर करेंगे पढ़ाने के लिए, ताकि ऐसा ना हो कि जो BTech वाले हैं वही फैकल्टी रहें, हम जो MTech हैं, जो प्रोफेशनल्स हैं, उनको हम हायर करेंगे स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हैं, ये मतलब आप कह सकते हो कि डिफरेंट टाइप ऑफ इनिशिएटिव हैं जो कि टेक्निकल एजुकेशन को बेटर करने के लिए उठाए गए हैं AICTE के तहत। तो और ये आपका बेसिक है टेक्निकल एजुकेशन के बारे में, कि टेक्निकल एजुकेशन क्या है, इंडिया में टेक्निकल एजुकेशन के क्या इस वक्त लेवल है, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में कवर है। तो आई होप ये आपको टॉपिक क्लियर हो गया होगा, कोई भी क्वेरी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। यस, बाय द वे, नेट आपको अगर नोट्स चाहिए नेट के, तो वो ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके आप लिंक पे जा सकते हैं और नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, कीप ऑन वॉचिंग एंड कीप ऑन लर्निंग।